माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कौशिक जी, आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मैं सदन के समक्ष 2015-16 के लिए प्रस्तुत रेल बजट के समर्थन में बोलने लिए पहली बार। नहीं कौशिक जी, आप बोलिए ना, वो कौशिक जी टाइम नहीं देते हैं, टाइम शेयर देते हैं। अरे कौशिक जी, आपका टाइम खराब हो रहा है। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने समर्थ भारत की परिकल्पना के साथ हम सभी भारतीयों को गौर की भावना जागृत की। साथ ही साथ मैं माननीय रेल मंत्री जी का भी हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने पहली बार न केवल रेल बजट के माध्यम से रेल की अर्थव्यवस्था सुधारने आशा सकते हैं सार्थक प्रयास किया है, बल्कि रेल की क्षमता सुरक्षा मनोबल बढ़ाने निवेश की तंगी है दुष्चक्र समाप्त करने का भी प्रभावशाली कोशिश की है। माननीय रेल मंत्री जी ने बजट के माध्यम से भविष्य के रेल ढांचे को विस्तृत विवरण सामने रखा है, जिसमें रेल को स्वच्छ, तेज, उच्च तकनीकी बनाने के लिए मुख्य ध्यान दिया है। यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं, रेल सेवा हमारे आर्थिक ढांचा सबसे बड़ा आधार है, और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रेल हमारी आर्थिक प्रगति रीढ़ की हड्डी है। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो हमें रेल व्यवस्था को चुर दुरुस्त बनाना होगा। संतोष का विषय है कि माननीय रेल मंत्री जी ने लोक लुभावने कदमों से बचते हुए एक अत्यंत व्यवहारिक और दूरदृष्टि वाला बजट देश के सामने रखा है। उन्होंने किसी नई ट्रेन की घोषणा न करके सास का परिचय दिया है। पूर्व के रेल बजटों में नई ट्रेनों की घोषणा की जाती थी, जिसके अंतर देश के विभिन्न भागों में संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता था। हमारा अनुभव रहा है कि ज़्यादातर घोषणाएं महज कागजों पर रह जाती थी और वर्षों पुरानी घोषणाएं भी पूरी नहीं होती थी। जहाँ तक रेल यात्रियों की सुविधा की बात है, बिना रिजर्व वाली टिकटें लेना एक बड़ी समस्या थी। इसके लिए माननीय मंत्री जी ने जो पहले अतिरिक्त 60 दिन के बजाय अब 120 दिन पहले रिजर्वेशन कराने का प्रबंध किया है, जिससे यात्रा अपनी यात्रा को समय रहते योजना बना सकेंगे। सरकार ने रेल बजट में 52% की वृद्धि की है। योजना बजट के आकार को 2014-15 के 65,798 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2015-16 के लिए 1,01,00,000 रुपया किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए बजट में 67% का इजाफा किया गया है। माननीय रेल मंत्री जी ने ट्रेनों में सामान्य श्रेणी से अधिक कोच लगाने का जो प्रस्ताव किया है, वो भी बहुत जरूरी है। मेरे क्षेत्र में सोनीपत से काफ़ी ट्रेनें और लोग आते हैं, वहाँ पर कोच 16 कोच हैं, उनको मैं प्रार्थना करूँगा कि 20 कोच उन ट्रेनों में लग जाएँ, उनकी काफ़ी समस्याएँ हल हो जाएंगी। ट्रेन में यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन के संबंध में भी अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं। माननीय रेल मंत्री जी ने लगभग 108 ट्रेनों में ई कैटरिंग शुरू करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत यात्री अपने पसंद के भोजन का ऑर्डर दे सकते हैं। अन्य ट्रेनों में भी भोजन की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आशा करनी चाहिए कि इन कदमों को भोजन के संबंध में यात्रियों की शिकायतें काफ़ी दूर हो जाएंगी। स्वच्छता पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष जोर है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की सरकार के पास एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया है। जाहिर है रेलवे को भी इस अभियान को अछूता नहीं रखा गया है, इसलिए माननीय रेल मंत्री जी ने अपने बजट में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस रेल बजट में एक व्यापक रेल सुधार का प्रयास किया है। यात्रियों से ज़्यादा सुविधाएं देने का काम किया गया है। सही मायने में इंडियन रेल भारतीय रेल बनने जा रही है, जिसने पूरे देश का समान भाव से देखा है और विजन रफ्तार भी है। रेल में यात्रा करने वाले कुल यात्रियों लगभग 90% द्वितीय क्लास और साधारण द्वितीय क्लास में यात्रा करते हैं। रेल मंत्री महोदय ने इनकी तरफ भी ध्यान दिया है। माननीय रेल मंत्री जी से मैं अनुरोध करूँगा कि हरियाणा का सोनीपत जिला, जो मेरा संसदीय क्षेत्र रहा है, प्रतिदिन आने वाले रेलों इस यात्रा को सुविधा देने के लिए जो रेलगाड़ियाँ सोनीपत से सोनीपत गन्नौर रेलवे स्टेशन तक ये 64,003 गाड़ी चलाई जाए, कालका शताब्दी जो का स्टॉपेज सोनीपत में किया जाए, और सोनीपत में रेलवे कारखाने की पिछली सरकार ने घोषणा की थी उस पर काम शुरू किया जाए, और एक सोनीपत गुहाणा जींद नई रेलवे लाइन है, उसका काम बीच में रुका हुआ है, उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा शान-ए-पंजाब और सचन एक्सप्रेस को
को उत्तर शाने पंजाब को संपर्क क्रांति नई दिल्ली उधमपुर जो सवारी गाड़ियां हैं उनका ठहराव किया जाए और आने वाले यात्रियों के लिए उसे सुविधा प्राप्त हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, सदन का अधिक समय न लेते हुए मैं माननीय रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत रेल बजट के प्रस्ताव को पूरी तरह समर्थन करता हूं और माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि बजट प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाए। जो हमारे क्षेत्रीय जो समस्याएं मैं लिखित में रख दूंगा मंत्री जी सामने। धन्यवाद बहुत।